रेलवे केवल यात्री भाड़े या माल ढुलाई से ही कमाई नहीं करती है। हर दिन लाखों लोगों के आवागमन देखने वाले स्टेशन खुद ही इसकी कमाई का स्रोत है। रेलवे यात्री किराए के अलावा जिन स्रोतों से ज्यादा कमाई करती है उन्हें नॉन फेयर रेवेन्यू यानी NFR की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ एड और ब्रांडिंग और यात्रियों को दी जाने वाली अलग अलग सुविधाओं से काफी कमाई की जाती है। दोस्तों, इस मामले में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे आगे है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने NFR के जरिए 2500 करोड़ रुपए की कमाई की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद कौन से वो रेलवे स्टेशन है जिनकी कमाई NFR से बहुत ज्यादा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद कमाई के मामले में दूसरे पायदान पर हावड़ा और तीसरे नंबर पर निजामुद्दीन और चौथे स्थान पर सिकंदराबाद और अहमदाबाद पांचवें स्थान पर रहा है। इन स्टेशनों की सालाना कमाई 1000 करोड़ से 1800 करोड़ रुपए के बीच रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नॉन फेयर रेवेन्यू यानी NFR क्या होता है, तो चलिए फिर बताते हैं कि NFR आखिर में क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने नॉन फेयर रेवेन्यू के तहत रेलवे स्टेशन की ब्रांडिंग को ब्रांडिंग, विज्ञापन, पार्किंग, प्लेटफॉर्म टिकट, रेस्ट हाउस, रिटायरिंग रूम, खाने पीने के स्टॉल, क्लॉक रूम और वेटिंग हॉल आदि आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इन सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले शुल्क से रेलवे स्टेशन की कमाई होती है। सभी बड़े रेलवे स्टेशन हर साल यात्री भाड़े के अलावा नॉन फेयर रेवेन्यू में भी बड़ी कमाई करते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे हर साल यात्री और माल भाड़े से कमाई करता है। यात्री किराए से रेलवे को सालाना 60,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। देश में करीब छोटे बड़े 8,000 रेलवे स्टेशन हैं। फ्रेंड्स, इसमें से करीब 6,000 रेलवे स्टेशन से रेलवे को हर साल 2,00,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। रेलवे बजट पर जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड ने बताया है कि सन 2023-24 में 1,74,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। खास बात यह है कि इसमें रेल टिकट काउंटर से टिकट बुकिंग की रकम शामिल नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को सभी आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं के साथ एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की योजना बना ली है। रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव डिजाइन शेयर कर चुकी है और इस दिशा में काम काफी तेजी से जारी है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।